أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम कैसे अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने मैसेज भी क्लास में किया है कि हमेशा क्लास शुरू में जरूर रहें, उसके दो फायदे हैं। एक तो हमें, जैसा कि मैंने लिखा वहां पे, कि किसी भी लेसन का कॉन्सेप्ट शुरू में ही समझाया जाएगा, तो अगर आप शुरू में मौजूद हैं तो आप पूरी क्लास में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरी बात एक ये भी है कि जो हम मुसलमानों पर, खासकर जो ये लेबल लगा हुआ है लेट लतीफ का, वो भी हमारे ऊपर से हटे। तो हमें न सिर्फ अपने बच्चों को इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस देनी है कि वो जहां भी पहुंचे वक्त पर पहुंचे, और जाहिर है एक इनको तैयार करने के लिए हमें खुद वैसा बन के दिखाना पड़ेगा, हमें खुद वैसा बनना पड़ेगा। मतलब जाहिर है कभी हो जाता है किसी, जो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उसकी वजह से लेट हो रहे हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा। ऐसा 1% होगा, 2% होगा, 98% चीजें हमारे कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। तो आज हम इस बात का भी, इस लेसन 14 का जो सबसे मेन पॉइंट है, कि हम वक्त की पाबंदी खुद भी करेंगे और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालेंगे। हमारी तो जिंदगियां गुजर ही चुकी हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस पे लेके आना है, और उसके लिए जो बची खुची जिंदगी है उसमें हम एक मिसाल बन के उनको दिखा दें कि ये पॉसिबल है। शुरू करते हैं लेसन 14, अदर्स रबे अशर, 14th लेसन। ठीक है, इस तरह से जब ये नंबर लिखा गया और रबे अशर, तो ये 14th का जो ये आता है ना, 14वां की मीनिंग आ जाती है। कभी अगर होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला तौफीक देंगे और हम लोग के सबके वक्त में बरकत, तो इंशाल्लाह ताला नंबर्स के ऊपर एक अलग से क्लास की जाएगी। छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं ना, सबसे पहले जब ABCD और सब, तो 1 to 10 सिखाते हैं, फिर 20 और फिर 100 तक सिखा ले जाते हैं। तो नंबर्स भी जानना अच्छी बात है। जुमला इस्मिया कर रहे हैं हम लोग इस किताब में अभी तक, जैसा कि आपको सुन के हैरत होगी कि इतने सारे जुमले आपने कर लिए। जुमला इस्मिया कर रहे हैं अभी तक, हम लोगों ने फेल का कोई भी लफ्ज नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 14th लेसन में हैं और इस्म की ही चीजों को, डिफरेंट चीजों को सीख रहे हैं। आज के लेसन में जो आप सीखेंगे, आपने यहाँ देखा, हाईलाइट किया है हमने, मुरक्कबे तौसीफी। ठीक है, और ये मुरक्कब सबसे ज्यादा आसान है, बहुत आसानी से पहचान लिया जाता है इसकी। मैं आपको कुछ वो बना दू प्लेन स्लाइड पे कि मुरक्कबे तौसीफी कहते किसे हैं। मुरक्कबे तौसीफी दो इस्म से बनता है, दो इस्म से मिलकर बनेगा। ठीक है, हम लोग सिंपल ही लेके चल रहे हैं, दो इस्म से मिलकर बनेगा। एक पहले मैं इंग्लिश में और उर्दू में एक एक सेंटेंस लिख लूं। नेक लड़का, ये उर्दू का मुरक्कबे तौसीफी हुआ, और ये इंग्लिश का मुरक्कबे तौसीफी हुआ। मुरक्कबे तौसीफी दो लफ्ज से मिलके बनता है, मौसूफ और सिफत। मौसूफ, अब मौसूफ क्या होता है? मौसूफ वो इस्म होता है जिसकी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो क्या होगा? मौसूफ होगा। तो यहाँ पे ये मौसूफ हुआ लड़का, और यहाँ पे बॉय। और सिफत वो इस्म जो अच्छाई या बुराई को बयान करे, मतलब वो वर्ड जो कि यूज, वो वर्ड जो इस मौसूफ की अच्छाई या बुराई बयान करे वो क्या होगा? सिफत होगी। तो यहाँ पे ये लफ्ज नेक जो है वो लड़के की अच्छाई को बयान कर रहा है, तो नेक क्या हो गया? सिफत हो गया। और इसी तरह गुड यहाँ पे सिफत हो गया। तो बिल्कुल
ये सारी चीजें ऐसे ही हैं, मौसूफ भी ऐसा, वहां पे वलदुन ही होगा और गुड भी वहां पे सालिहुन होगा, लेकिन बस तरतीब ऑपोजिट है। अब देखिए इसमें पहले आया आपका, पहले आया सिफत और फिर मौसूफ, यहां भी पहले सिफत और फिर मौसूफ, लेकिन अरबिक में इसके ऑपोजिट है, वलदुन सालिहुन। तो एक जो बात आपको समझने की है कि उर्दू, अब हम अरबिक में ऐसे होगा लेकिन जब हम उर्दू में कर रहे होंगे तो तर्जुमा तो हम अपने लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे ना, तो हम करेंगे नेक लड़का, वलदुन सालिहुन का आप पीछे से हमेशा तर्जुमा करेंगी नेक लड़का। तो ये तो हो गया एक पॉइंट कि अरबिक में मौसूफ पहले और सिफत बाद में, ठीक है, अरबिक में मौसूफ पहले और सिफत बाद में आती है हमेशा, और तर्जुमा करते वक्त हम पीछे से कर लेंगे नेक लड़का, एक नेक लड़का। दूसरा पॉइंट जो है, आपने इस्म के चारों पहलू या अच्छी तरह डिटेल में ट्यूसडे की क्लास में कर लिए, तो इस्म के चारों पहलू से सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी, क्योंकि तो मौसूफी के लिए एडजेक्टिव आ रहा है ना, सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमको दिखते हैं दो अल्फाज, कल की क्लास में हम लोगों ने किया है शायद, ऐसी कोई बात हुई थी कि जैसे ही हम लोगों को दो अल्फाज दिखते हैं और वो एराब जिन्स अदद वुसअत हर चीज में सिमिलर होते हैं, फौरन आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये मुरकबे तौसीफी तो नहीं है, और फिर उसको आप चेक करेंगी इसी तरह से। मुरकबे तौसीफी कैसे पहचानेंगी आप, देखिए यहाँ पे चले पहले एराब देखते हैं, ये देखें रफा की हालत में है तो इसकी सिफत भी रफा की हालत में है, ठीक है, फिर ये मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन है तो ये भी मुजक्कर है, फिर ये वाहिद है यानी अदद नेक्स्ट आता है तो ये वाहिद है तो इसकी सिफत भी वाहिद ही आएगी, अगर ये जमा होता तो सिफत भी जमा होती, जमा वाला लफ्ज आता। फिर इसी तरह ये देखें नकिरा है यानी कॉमन नाउन है तनवीन के साथ तो आपको सिफत भी नकिरा ही लानी होगी, ठीक है। अब अगर ये होता अल वलदु तो फिर अब इसको बनना पड़ता अस्सालिहु, ये मौसूफ है और ये सिफत है, अब ये हर तरह से इसको, इसी तरह अगर ये अल वलदानि सालिहानि, दो एक लड़के हैं तो फिर हमको अल वलदानि सालिहानि, इस तरह सिफत हर लिहाज से फॉलो करेगी। तो बस मुरकबे तौसीफी को पहचानने के लिए और तर्जुमा करने के लिए ये दो पॉइंट्स ही हैं, और ये आपको चूंकि ये आप कर चुके हैं ये सब चीज एराब जिन्स अदद वुसअत, तो अब आप बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे, और आज की क्लास में इसी की प्रैक्टिस है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। ये आपका लेसन टोटल, ये लेसन है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम वक्त पे पूरा कर लें, लेकिन जाहिर है हमें जल्दी रश करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हम लेसन आज कर लेंगे और एक्सरसाइज किसी और दिन कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो बीच में या कुछ हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 14th लेसन, अब देखें इसमें जुमला इस्मिया, ये भी अब रिवाइज करते चलें। जुमला इस्मिया दो चीजों से मिलकर बनता है, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कुछ भी नया नहीं है लेकिन जाहिर है ये टर्म्स तो हमको, मुब्तदा और खबर जिसको कि इंग्लिश में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते थे, कि क्या चीज है उसके बारे में क्या बात हो रही है, खबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुब्तदा जो है हमेशा क्या होता है, मार्फा होता है, और खबर नकिरा होती है। लिखो ये मैं, क्योंकि अब आप मार्फा नकिरा पढ़ चुके तो मैं बस आपको ये, और अगर ना याद रह जाए ये नुक्ता मेरा दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। मुब्तदा मार्फा होता है और खबर नकिरा होती है। मुब्तदा और खबर, हाजा बैतुन वासिउन, अब यहां देखिए यहां पे हाजा ये मुब्तदा हुआ
ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि आप पहचान ले कि जुमला कंप्लीट हो गया और आगे आपको एक नकिरा इस्म मिल गया, बैतुन एक नकिरा इस्म है और ये इसकी सिफत है। तो हाजा आपको आपको पता है कि हाजा मार्फा है, आपने मार्फा की लिस्ट में हाजा को किया हुआ है ना। इसमें इशारा सारे, इसमें इशारा मार्फा है। इसी मार्फा जब मैं कहूं तो प्रॉपर नाउन, कल की क्लास में मैंने कोशिश की थी कि आप रफा से ना कंफ्यूज हो, जब मैं मार्फा कहूं तो वो लास्ट वाला मार्फा नकिरा प्रॉपर नाउन। तो आपने याद किया हाजा, ये सारे इसमें इशारा क्या है, मार्फा है। इसी तरह इसमें मौसूल भी क्या थे, अल्लदी अल्लदीना, ये भी क्या थे, मार्फा थे। ठीक है, तो हाजा ये हो गया आपका एक इस्म जो कि मार्फा है और आगे आपको मिल गया बैतुन नकिरा, आपका जुमला कंप्लीट हो गया। हाजा बैतुन, ये घर है, लेकिन घर की सिफत भी बताई गई है, तो ये दोनों मिलके मुरक्कबे तौसीफी हुए। हाजा बैतुन वासिउन, ये एक कुशादा घर है। अल बैतुल वासिउ, अब देखें ये मुब्तदा पूरा बना क्योंकि अब ये एक मुरक्कब है। अल बैतुल वासिउ, अब ये देखें अल बैतु हमने देखा और अल वासिउ, आप देखें सब मैच कर रहा है। अल ये मुजक्कर है ना, कोई तानीस की, तानीस मतलब कहते हैं मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, तो फौरन समझ में आ जाएगा, फौरन दिमाग जाना चाहिए कि ये मुरक्कबे तौसीफी होगा। और मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा हम ये करेंगे, वसी घर या कुशादा घर, नदीफुन साफ सुथरा है, मैं यहां लिख दू साफ जिससे मीनिंग बाद में आप लिख लें। अगर मैं लिखती हूं तो मैं तो बहुत स्लो लिखती हूँ, तो आप लोग भी लिख सकती हैं अपने पेपर पे उस टाइम पे, मतलब मेरा दिल चाहता है कि जब पढ़ा रही हूं तो आप 100% सुने, लेकिन बहुत लोग लिख भी सकते होंगे, जो ऐसे लोग जो समझ भी सके और साथ में लिख भी सके वो जरूर लिख ले, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों चीज साथ नहीं हो सकती तो सिर्फ समझे, लिखना आप रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगी, वहां पॉज भी किया जा सकता है। और तो अल बैतुल वासियु नजीफुन, तो ये हो गया आपका मुब्तदा, ठीक है, और ये हो गई खबर। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मुब्तदा मार्फा होगा और खबर नकिरा। आपको देखिए मार्फा मुरकब मिल गया, अल की वजह से ये मार्फा है, तो ये मुब्तदा और ये खबर, तो ये जुमला कंप्लीट हो गया। अगर ये कंडीशन नहीं होगी ये मार्फा और नकिरा की, तो वो जुमला नहीं होगा बल्कि वो एक बड़ा सा मुरकब हो जाएगा। यही बात थी जो मैं वहां बताने जा रही थी, फिर आई जस्ट बेहेल्ड इट, मैंने उसको रोक लिया कि कहीं, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी। तो जब हमको जुमला इस्मिया कैसे होगा कि अगर उसमें हमको एक इस्म शुरू में मिले जो कि मार्फा हो और उसके बाद खबर मिले जो कि नकिरा हो, तब हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। अब हम है और नुक्ता वगैरह लगा के जुमला उर्दू में कंप्लीट कर लेंगे, वरना हमें ऐसे अगर अल बैतुल वासियो होता, आप इमेजिन करें ये नहीं है, मेरे पास दो लफ्ज तो है ना, चले मैं समझाई देती हूँ। हादा बैतुन, और दूसरा जुमला है, सॉरी जुमला है अल बैतु, अल बैतुल वासियो, ठीक है। ये दो आप देखिए, इसमें भी दो लफ्ज है, इसमें भी दो लफ्ज है। ये जुमला क्यों है? क्योंकि आपके पास एक मुब्तदा मार्फा और खबर नकिरा मिल गई। ये चीजें समझनी इसलिए जरूरी है, मैं क्यों इसके इतना वक्त मैं क्यों दे रही हूं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जुमला कंप्लीट होने के बाद आपको न फुल स्टॉप नजर आता है न है, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा अल्फाज होते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये जुमला कंप्लीट हो रहा है, वो लड़का, अगर मैं वो एक मतलब आखिर में है और फुल स्टॉप, ये सब आपको यहाँ कहाँ नजर आ रहा है। तो अगर ये अलामतें नहीं समझेंगे और ये कंडीशंस नहीं समझेंगे, तो हम जुमले ताम यानी कंप्लीट सेंटेंस या जुमले नाकिस यानी इनकम्प्लीट, जिसको हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं, उसमें हम तमीज नहीं कर पाएंगे कि ये जुमला पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो आज आपको जो पॉइंट जो आप नोट करने का है वो ये है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा मार्फा होता है और खबर नकिरा होती है, ठीक है। और याद रखें कि मैंने हमेशा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है।
हमेशा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया यहाँ के लिए, वो भी किसी वक्त पता चलेगा इंशाल्लाह आपको, सस्पेंस है अभी। अब यहाँ आ जाए दूसरे जुमले पे, अल बैतुल वासियु, ठीक है, हमको एक मिल गया, हमको एक इस्म जो कि हमें दिखा कि मार्फा है, लेकिन आगे जो दिख रहा है वो भी मार्फा ही है, ठीक है। तो ये जुमला अब नहीं हो सकता, ये मुरक्कब मतलब नाकिस है, जिसको कहते हैं ना कंपाउंड वर्ड है, फ्रेज है, जुमला नाकिस है, ये पूरा जुमला बना ही नहीं। तो अब हम देख रहे हैं तो अल बैतुल वासियु, ये दूसरा इस्म जो है वो हर लिहाज से पहले इस्म को फॉलो कर रहा है, तो बस अब मेरे ये मुरक्कबे तौसीफी बन गया, और हम इसको कहेंगे वसीर घर, बस इतना कह के चुप हो जाना है। घर इसका किसी ने कर दिया घर वसीर है तो वो गलत हो जाएगा, बस इसका जुमला, इसका तर्जुमा क्या होगा, वसी घर, जैसे हम कहते गुड बॉय है ना, एक्सपेंसिव पेन, नाइस वॉच, ये सेंटेंस तो नहीं बना ना, हमने एक चीज के बस डिस्क्राइब कर रहे हैं हम किसी चीज को, हमने किसी चीज को बस डिस्क्राइब किया, कोई बात उस कंप्लीट नहीं हुई अभी, आगे उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं कंप्लीट की बस। तो ये अल बैतुल वासियो इसका तर्जुमा होगा वसीर घर या कुशादा घर, बस इतना कह के आपको चुप होना है, ये जुमला नहीं बना। तो ये मुरक्कब है, अब आ जाते हैं वापस अपनी बात पर, ये है मुब्तदा, ये पूरा यहां पे देखें, यहां मुब्तदा क्या था, मुफरद, मुफरद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा टर्म्स लेके आ रही हूँ, इस क्लास में मैं टर्म्स लेके ज्यादा आती हूँ कि थोड़ा सा अरबिक से आप फेमिलियर हो सीखे, क्योंकि तो यहाँ पे मेरी क्लास थोड़ी लाइट है तो उसको फिर इस तरह से हैवी कर किया जाता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपका मुब्तदा लाइट, मुब्तदा मुफरद, मुफरद मतलब फर्द, फर्द बोलते हैं ना, सिंगल वर्ड दिख भी रहा है तो आसान है, और खबर आपकी कंपाउंड वर्ड है यानी मुरक्कब है, और यहाँ पे क्या है, मुब्तदा आपका मुरक्कब है और खबर मुफरद है, मुफरद मतलब सिंगल वर्ड, मैं लिख दूं यहाँ पे। और प्लीज जब भी कुछ अरबिक का नया वर्ड सीखे ना तो सही हरकात की तरह सीखे, सही हरकात के साथ सीखे, ठीक है, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद मतलब सिंगल वर्ड और मुरक्कब का मतलब है कंपाउंड वर्ड कह लें या फ्रेज कह लें, मैं फ्रेज लिख दूं, आगे चलते हैं। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछे प्लीज। सुभान अल्लाह, 20 मिनट हो गए और अभी एक सेंटेंस, दो जुमले हुए। ओके, जालिका, अब देखिए जालिका और आगे क्या, बैतुन वैयकुन, अब ये दोनों हमारे कंपाउंड, ये हो गए मुरकबे तौसीफी और ये हो गया हमारा मुब्तदा, तो मुब्तदा ये और खबर ये, ठीक है। अब मैं मुब्तदा और खबर बार बार नहीं कहूंगी, आप लोग समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जालिका बैतुन दय्यकुन, वो एक तंग घर है, जालिका इसमें इशारा है फार के लिए, बगीद के लिए है ना, इशारा बगीद कहते हैं इसे, फार, तो जालिका वो, हाजा ये करीब है, बैतुन दय्यकुन तंग, इसके भी मीनिंग में आया लिख दो कि आप तंग है, मतलब वो एक छोटा घर है, वो एक तंग घर है, अल बैतुल वय्यकु। अब ये देखिए ये यहाँ पे कंपाउंड वर्ड क्या बन गया, मुरकबे तौसीफी मुब्तदा बन गया, और कदीरुन, ये कदीरुन ऐसे यहाँ जेर है, छोटा घर या तंग, छोटा नहीं क्या है क्योंकि छोटा का तो तर्जुमा सगीर होता है ना छोटे की अरबी, यहाँ तंग ही लिखेंगी, तंग, तंग घर गंदा है, कदीरुन का मतलब है गंदा है, तंग घर गंदा है, लिल बैतिल वासिगी बाबुन कबीरुन। अब ये देखिए ये एक मुरक्कब है और इसमें देखें आप कि लिल बैती और उसके आगे अल, ये ली और अल बैती है, ठीक है, लिल बैती दो लफ्जों का मजमुआ है, ली प्लस अल बैती, तो आप अलबैती देखें, अलबैती और फिर देखें अलवासी,
ये सब फॉलो कर रहा है, अगर ये जर में गया तो इसकी सिफत भी जर में ही आई, ठीक है। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगी आप? वसी घर का यानी कुशादा घर का एक बड़ा दरवाजा है। जब ये तन्वीन रहती है तो खबर भी बताती है और हमको क्या दूसरी चीज बताती है, कि वाहिद भी है। तो वसी घर का या कुशादा घर, अभी ये सिफत इसकी है तो आपको ये पहले बोलना पड़ेगा और घर बाद में, क्योंकि अरबिक उर्दू में हम सिफत पहले बोलते हैं। तो वसी घर के लिए, ली का मतलब होता है फॉर, है ना, तो वसी घर के लिए, ऐसे तो हम उर्दू में नहीं बोलते, हम उर्दू में बोलते वसी घर का, तो हम इसी तरह तर्जुमा कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ली का मतलब होता है फॉर। तो वसी घर का एक, अब दरवाजा जो हमें बोलना है तो पहले सिफत बोलेंगे, बड़ा दरवाजा है, ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है? जी जी उस्ताद, मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज पूछें, ठीक है, कोई कोई मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस किताब के लिए मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है। उस बुक के लिए, उस कोर्स के लिए मैंने 65 आवर मैक्सिमम सोचे हुए हैं, लेकिन इसके लिए ये अनलिमिटेड है, तो यहाँ मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अलबाबुल कबीरू, अब देखें अलबाबुल कबीरू, जैसे ही आपने ये पढ़ा तो आपने देख लिया कि अल, और यहां भी अल देख भी रही है और जबान से अदा भी हो रहा है, तो पता चल रहा है कि ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर, कोई ताए तानीस कुछ भी नहीं है ना, तो आपको जो है पता चल गया कि ये मुरक्कबे तौसीफी है, ये एक मुरक्कबे तौसीफी मिल गया। और देखिए यहां भी एक मुरक्कबे तौसीफी की, अलबाबुल कबीरू लिल बैतिल वासिगी। अब यहां देखिए आपको बैतिल वासिगी है ना यहाँ पे, तर्जुमा आप क्या करेंगी? बड़ा दरवाजा कुशादा घर के लिए है, या बड़ा दरवाजा कुशादा घर का है, किसी का माइक कन्म्यूट हो गया, दरवाजा कुशादा घर का है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिल बैयती दैयकी, ठीक है। अब यहाँ पे दैयकिन कोई ना पढ़ दे, जैसे ही अल यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे सिंगल हरकत ही आएगी, लिल बैयती दैयकी, लिल बैयती दैयकी, बाबुन सगीरुन। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगी? तंग घर का, वही तंग था ना यहाँ पे, देखिए तंग यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, तंग घर का एक छोटा दरवाजा है, बाबुन सगीरुन, छोटा दरवाजा, एक छोटा दरवाजा है, अलबाबु सगीरु लिल बैती दयीकिन। फिर इसी को असल में जो खबर थी उसको मुब्तदा बना रहे हैं, और जो मुब्तदा है उसको खबर दूसरी तरह से बस कर दे रहे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे? छोटा दरवाजा, आपने देखा जैसे यहां बाबुन सगीरुन खबर था तो ये नकिरा दिखा आपको, इस जुमले में जब ये मुब्तदा बना तो देखिए मार्फा हो, मार्फा बन के आया, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई नॉन ही चीज है, उसके बारे में हम आपको खबर दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो वो चीज तो मालूम है। तो यहां देखिए इसलिए जैसे ही मुब्तदा बना तो ये मार्फा हो गया, तो ये सारी चीजें आपको पहचाननी है। तर्जुमा तो आप कर लेंगे आराम से कि अलबाबु सगीर, लेकिन जो गौर तलब बात है कि ये चीजें हम समझे पहचाने, कि यहाँ पे जब अल आया तो यहाँ आगे भी ये अल से ही शुरू हुआ, फिर दोनों रफा की हालत में है, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों वाहिद हैं, तो ये मुरक्कबे तौसीफी है, और हम पीछे से तर्जुमा कर लेंगे छोटा दरवाजा, और इतना ही क्या कि हमको भी चुप रहना है क्योंकि खबर तो आई नहीं। लिल बैती, छोटा दरवाजा किसका है? लिल बैते दैयकी, इसके लिए है। अब आप कह रही होंगी ये खबर है ना, खबर नहीं है, मुतालिक खबर, कुछ चीजें और होती हैं, जैसे भी नकिरा मैंने कहा था कि खबर नकिरा होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ना कि हमेशा वाली बात मैं नहीं कह रही हूं, तो आप देख लें यहाँ पे खबर कैसे आ रही है ना, अलबाबुल कबीरु लिल बैतिल वासी, तो इसे खबर कहते भी नहीं है, फिर कुछ और नाम देते हैं, ठीक है, वो फिर बताएंगे। तो बड़ा दरवाजा कुशादा घर के लिए है, ठीक है, बड़ा दरवाजा कुशादा घर के लिए है।
للبيت الضيقي. इसका तर्जुमा कोई करेगा? للبيت الضيقي باب صغير. चले नफीसा आप करिए. आई डोंट नो, नफीसा है भी? उसका मैं करूंगी, बताऊंगी नफीसा ने शायद आवाज दे दी है तो उनको कर लेने जी। दे. नगर लिल बैते द्वाइकी, गंदा घर, गंदे घर के नहीं, लिए, दयिक तंग को कहते हैं, दयिक तंग. तंग घर के लिए बाबुन सगीरुन, एक छोटा दरवाजा है। वेरी गुड. और अगला भी कीजिए, पढ़िए पहले. अलबाबु सगीरु, छोटा दरवाजा। लिल बैते द्वायिकी, तंग घर के लिए हाँ, तो हम के लिए तो नहीं बोलते हैं, कि लग रहा है दरवाजा क्या है। अलग खड़ा हुआ है ना, कि ये दरवाजा उसके लिए. तो क्या कहेंगे? छोटा दरवाजा तंग घर का है. बल्कि तंग घर में है भी कर दे तो भी चल जाएगा, कि तंग घर में. छोटा हाँ, दरवाजा तंग घर का है। वेरी गुड, वेरी गुड, जजाकल्ला खैर. अब किसने कहा था मैं करूं, वो अपना नाम बताए. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम. शबीना, चले कर, आपका नाम जी। शबीना. चले करें शबीना. अगला वाला महमूदु नहीं, रजुलुन, महमूदुन. महमूदुन रजुलुन सालिहुन। ब्लर हो गया ब्लर हो गया. आप अपनी जी। स्क्रीन को सेट करें, अपने पिंच करके स्क्रीन को छोटा कर ले, वो क्लियर हो जाएगा. जी महमूद, ये तो नाम हो गया ना, रजुलुन आदमी। मैम, महमूद ये तो नाम हुआ ना, जी, यानी ये मुब्तदा हो गया, महमूदन मुब्तदा हो गया, रजुलुन सालिहुन खबर हो गई. हाँ, तो नेक नेक आदमी महमूद है नहीं, नेक आदमी महमूद है. जी। आपने तो नेक आदमी को मुब्तदा कर दिया. जी महमूद महमूद एक नेक नेक आदमी आदमी, है. हाँ महमूद नेक आदमी है जी मुब्तदा को मुब्तदा ही रहेंगे, उसमें मत ऑर्डर चेंज कीजिए. जी सब्जेक्ट और मुब्तदा, हमने इसीलिए सब्जेक्ट मैंने बोला था. इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले आता है, उर्दू में भी मुब्तदा जी कहते हो शायद. महमूद नेक नेक आदमी है जी। तो सेंटेंस के ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगी, इसीलिए हमने कहा मुरकबे तौसीफी को पीछे से करेंगी, जुमले को पीछे जी नहीं लेके जाएंगी. ठीक है, जुमले में महमूद मुब्तदा है, उर्दू में भी यही मुब्तदा रहेगा, महमूद एक नेक आदमी है. ठीक है, जी जी चले आगे जी चले. अर्रजुलु सालिहु महमूदुन, आदमी महमूद आदमी अब नेक है। महमूद आप यहां गई, फिर आदमी यहां गई, फिर यहां, ऐसे कैसे हो रहा है? आप देखें, शबीना समझे. अर्रजुलु सालिहु, तो ये मुरकबे तौसीफ, इसका तर्जुमा करें, मुब्तदा है ये, नेक आदमी महमूद है. महमूद जी, नेक ऐसे आदमी अगर कोई महमूद नेक है आदमी दिखा तो पूछा ये कौन है, तो नेक आदमी इसका, ये महमूद है, नेक आदमी महमूद है, ये खबर हो गई. ठीक है शबीना, जी। चलिए जजाक अल्लाह खैर. गौर से सुनेंगे सब लोग. और इस चीज को अभी जो पॉइंट पता चला वो क्या है, कि मुब्तदा को मुब्तदा ही रहने देंगे. यहाँ मुब्तदा है तो उर्दू में भी आप क्या करेंगे, इसका तर्जुमा पीछे से, नेक आदमी को पहले करेंगी और फिर महमूद खबर बाद में देंगी. ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी. उम्मे कुलसुम है जी। क्लास में, तो उम्मे कुलसुम आ जाए. उम्मे कुलसुम नहीं है, साइमा आ जाइए. मैम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? मैं कुछ चलिए, अब साइमा को मैंने बुला लिया, इसके बाद आप रेडी रहिएगा. ठीक है, ठीक है चलिए चलिए साइमा. जी।
रजुल सॉलिही खुलुकुन हसन, लिल रजुल सॉलिही नेक आदमी का या के लिए खुलुकुन हसन अच्छा इखलाक है। वेरी गुड, नेक आदमी के अच्छे अखलाक है। उर्दू की तरह अगर जैसे बोलते तो आप तर्जुमा कर जी सकती हैं, नेक आदमी के अच्छे अखलाक है ना। अच्छा, ये इसको कैसे हम बोलते हैं, नेक दोनों आदमी का अच्छा अखलाक है बोलते हैं, तो अगर ऐसा बोलते हैं तो भी सही। आ सकते हैं, वही मैं इसीलिए मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि इसको के साथ बोलेंगे या का, जैसे हम हाँ यूं कहते हैं ना कि उसका अखलाक अच्छा है, यूजुअली हाँ तो हम एक वाहिद वाली टर्म में यूज करते हैं, तो हाँ इसलिए तो मैंने ऐसे किया। हाँ नहीं बिल्कुल, जैसे भी उर्दू में बोलते हैं वो तो बोल सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए अच्छा, अगला वाला कर नेक दें। हाँ बोलिए। अल-खुलुकुल हसनु अच्छा इखलाक, लिल रजुल सॉलिह नेक आदमी का है, वेरी अच्छा गुड। इखलाक नेक आदमी का है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये मुब्तदा था, ये खबर थी, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट करके दे रहे हैं वो, ठीक है खबर। और ये चीज आप लोग को गौर करने की क्या है कि जब मुब्तदा देखें, ये मुब्तदा मार्फा है और खबर नकिरा। मुब्तदा यही लफ्ज, यही अल्फाज जब मुब्तदा बने तो ये मार्फा हो गए, है ना, और ये तो खबर है। जैसा कि मैंने कहा ये खबर नहीं है, ये दूसरी खबर के साथ एक अलग सा वर्ड आता है शिबू, जो वो मैं अभी, जी हाँ, तो लेकिन खबर मार्फा होती है। इसके कई सारी कंडीशन है जब ये, एक और कर लीजिए साइमा, फिर उसके बाद मैं कुछ सुनाती हूँ। अच्छा, हाजा तिलमीजुन मुज्तहिदुन, हाजा ये मुज्तहिद का मतलब मेहनत करने वाला, हाँ मेहनती, मेहनती, जिसको मेहनती कहते हैं। जी ये मेहनती शागिर्द, ये शागिर्द मेहनती है नहीं, ये शागिर्द अगर या आपने क्या, एक मिनट साइमा, अगर आपने ये शागिर्द कह दिया तो आपका ये मुरक्कब, ये मुझ ये समझ में, ये एक मेहनती शागिर्द है। ओके ओके सही। हाँ, ये एक मेहनती शागिर्द है, जालिका तिलमीजुन मुहमिलुन, वो एक सुस्त लापरवाह। शागिर्द है या हाँ काहिल, अच्छा लापरवाह, काहिल, बिल्कुल सही वर्ड दिया है, लापरवाह। बिल्कुल हाँ वो सामने टेबल पे मैंने कुछ एक मिनट, शेयर किया जरा माइक भी देख लीजिएगा अब साइमा। तो ये जी। मुश्तहिदुन का मेहनती है और ये लापरवाह, और इन्होंने जो काहिल, मैंने तो लापरवाह सोच के रखा था लेकिन इन्होंने काहिल वर्ड भी अच्छा दिया है कि लेजी सा है, ये मेहनती है वो लेजी है, मुहमिल लापरवाह। चले शाबाश, इसके बाद आ जाए जजाक अल्लाह खैर साइमा और उम्मे कुलसुम। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तिलमीज़ मुज्तहिदु मक़बूल, मेहनती तालिबे इल्म पसंदीदा है, इसका आपका पसंद रीजन, पसंद है, पसंद पसंद नहीं है, पसंदीदा किया है। जाता है, पसंदीदा हाँ है, ठीक पसंदीदा है, ठीक है। पसंदीदा है। तिलमीज़ मुहमिलु मज़मून, काहिल निकम्मा या लापरवाह, अल्लाह हू अकबर, आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम दे रही हैं, निकम्मा भी है बस अच्छा लापरवाह काहिल कह दे, ठीक बेचारे को थोड़ी इज्जत दे, है, लापरवाह ही बोल दे। लापरवाह तालिब इलम मुजम्मत मजमूम है या हाँ नापसंद नापसंदीदा है, नापसंदीदा है ना, बस ये महबूब का ये ऑपोजिट है मजमूम। अच्छा चले, जब आपने मजमूम वर्ड पढ़ा तो किसी को क्या कुछ याद आया? नहीं, कोई वाक्या याद आ रहे हैं तारीफ में, क्या बात क्या है? याद नहीं लेकिन घूम रहा है दिमाग में जी। याद नहीं है या, कुछ आ रहा है लेकिन अच्छी तरह नहीं आ रहा। किसी को कोई वाकया याद नहीं, आया जब मजमूम वर्ड यहाँ पे पढ़ा तो कुछ याद आया साइमा? ये मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा है, बनी इसराइल के बारे में इस्तेमाल हुआ है कुरान में मैं बताऊं, मतलब पूरी क्लास जी। पहले सोच ले फिर नहीं तो मैं बताऊं। चलें, जब
जिसने किसी ने भी अगर सूरतुल लहब की तफसीर पढ़ी होगी तो वहां पे ये जी लफ्ज आया था कि अबू लहब की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदम्मम कहती थी, जी जबकि उनका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है कि तारीफ किया हुआ, और उनको वो गुस्से में और अपनी दुश्मनी में नौज बिल्ला कहती थी मुदम्मम। तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तकलीफ और बुरा लगता, और उन्होंने इसकी शिकायत की कि वो तो आपको इस नाम से पुकारती है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो मुदम्मम कहती है तो ये तो मेरा नाम ही नहीं है। तो जो चीजें भी वो मुदम्मम, जैसे मुदम्मम को ये हो मुदम्मम को वो हो ना, सिर्फ नाम ही नहीं लेती थी बद्दुआएं भी देती थी। मुदम्मम करके वो बद्दुआएं देती थी, मुदम्मम करके वो बात करती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा जवाब दिया कि वो तो मुझे कहती ही नहीं है, मेरा नाम तो मोहम्मद है, वो तो मुदम्मम को कहती है, वो किसी और को कहती है। याद आ गया सबको? सूरतुल लहब जी की मैम, तफसीर पढ़िएगा आज, जी मैम, ठीक? जी हाँ, जी इंशाल्लाह मैम, आपको ये मिल जाएगा, ये लफ्ज। जब ये पढ़ा हमने तो वही बात, तो हमने सोचा कि ये बात बताएं। और इस तरह से जब जो है ये छोटी छोटी, देखिए ये छोटा सा वाकया है, तो ये आप स्टोरी की तरह से इसको अपने बच्चे के पास सुना सकती हैं कि एक औरत थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में। हालांकि तो इससे बच्चों को ये भी पता, क्योंकि यू नो चिल्ड्रन आर फेसिंग बुलिंग और क्या क्या स्कूल में चलता है, क्या दैट गिव्स देम, हम एज अ पेरेंट हमारी बहुत जिम्मेदारी है। और कुरान और सीरा से बहुत, अगर आप सोचे वहां से बहुत कुछ मिल जाता है कि किस तरह से अगर हमको कोई इट डजंट बिलोंग टू, मैं वैसा हुई नहीं, मुझे अगर कोई कुछ कहता, बुलिंग में क्या होता है आमतौर पे बच्चे बिना किसी बात के सेम चीज आपसे पे चिपकाते हैं, एंड यू फील यू नो हर्ट, और वो आप ऐसे होते भी नहीं है। तो अगर आप नहीं है तो उनको कहने दें, वो किसी और को कह रहे हैं ये। और अगर अल्लाह ना करे हम सही हैं और इसके बावजूद कोई कुछ कहता है तो वो हम पे फिट ही नहीं होता। बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक था, वो ऐसे फालतू चीजों को लेके परेशान नहीं होते थे। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा मिशन 22 साल के अरसे में, हम 23 साल कहते हैं ना, क्योंकि हम तो 23 साल लूनर जी की वजह से 23 होता है, अगर सोलर ईयर देखें तो 23 से कम ही है, 22 के करीब है। तो इतने कम अरसे में उन्होंने जो ये काम किए, हमारा क्या हाल है, हम अपनी बात अपने लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ों की बच्चों की नहीं, कि हम खुद भी गैर जरूरी चीजों पे इतना फोकस्ड रहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजों के लिए जो वक्त ना करने की शिकायत होती है ना, वक्त नहीं वक्त नहीं, ये सारा वक्त इन्हीं चीजों में चला जाता है कि लोग हमें नापसंदीदा चीजों के साथ बुलाते हैं, ये मन जो ये अभी है ना, और फिर हम उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। बेशक अगर हमको कोई कुछ कह रहा है तो आई शुड सी फर्स्ट कि हो सकता है कि वाकई वो हमारे अंदर चीज हो, और अगर वो है तो हमें दूर करनी है, और अगर नहीं है, कोई दुश्मनी में कर रहा है, कोई चिड़ में कर रहा है, तो जस्ट लीव इट, फॉरगेट इट, हमें वो, हमको नहीं चिपकती, हमें आई नीड टू गो अहेड, हमको अपना काम करते चले जाना है, ठीक है? तो ये उसूल रहना चाहिए। तो ये स्टोरी आप लोग अपने बच्चों को सीरा की सुनाएंगे भी। दो चीजें जिंदगी में शामिल कर लें, 10 मिनट कुरान की तफसीर और तर्जुमा नहीं तफसीर, है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा लोग 10 साल में सूरह बकरा समझते थे जी। और हमारा क्या हाल है, हम सोचते हैं कि हम कहीं कुरान क्लास ज्वाइन करें तो 6 महीने में हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करा दिया जाए, और उसमें हम हाफ ऑफ द टाइम एबसेंट भी रहें। तो 10 मिनट अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं कि तफसीर, उस तफसीर में जो भी पॉइंट गौर फिक्र के साथ उसको दिन भर सोचती रहें, कोई ऐसी बात तो उसको अपने घर में भी डिस्कस करें। और 10 मिनट सीरा, ये दो चीज जरूरी है कि सीरा से भी हमको जिंदगी के उसूल मिलेंगे बहुत। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत के साथ समझने की भी तौफीक दे। चलें आगे चलते हैं। उम्मे जी कुलसूम मैम, करती थी, हाँ जी, जी उम्मे मैम, खालिद कुलसूम करिए। फलाहुन फलाहुन, खालिद, नजीतुहु। हाँ खालिदुन भी कह सकती है, ठीक है? ये कुछ नाम होते हैं जो कि तनवीन के साथ भी मारफा ही होते हैं, जी, खालिदुन फल्लाहुन नशी। खालिद फलाहुन नशीतुन, खालिद चुस्त किसान है। माशाल्लाह, वेरी गुड। देखिए इनको याद था, चुस्त। खालिद, अब जैसे ये आपका मुब्तदा हो गया ना, तो बिल्कुल अब
जब आपने निकाल लिया मीनिंग वगैरह सब निकाल लिया और ये भी पता चल गया ये खबर, ये मुब्तदा है और ये खबर है, तो अब आप उर्दू में कैसे तर्जुमा करती हैं? एक लगाती हैं, है लगाती हैं, वरना तो अरबिक के हिसाब से हम कहते हैं खालिद चुश्त किसान, खत्म हो गई बात, लेकिन हम तो उर्दू में बोल रहे हैं, तो मैं बोलना है खालिद एक चुस्त किसान है, किसान अल्लाह का मतलब होता है किसान, ठीक है, फार्मर। हामिदिन फल्लाहुन कसलानुन अच्छा देखिए, हामिदिन हामिदिन नहीं कहेंगे, हामिदुन, हमेशा ये खबर जो है ना, हामिदिन ये जो है मुब्तदा जो है ये मार्फा भी होता है, आई मीन प्रॉपर नाउन भी होता है और रफा की हालत में भी होता है, ठीक है। मैंने अच्छा हामिदुन हाँ, फल्लाहुन कसलानुन रीडिंग करने की जरूरत है आपको, खूब रीडिंग करिएगा, मैं अच्छा कसलानुन, जिससे आसान लगने लगे, ठीक। हामिद सुस्त किसान है वेरी गुड, ये उसी के ऑपोजिट ले लेके आ रहे हैं ना, तो इसमें आसान है। एक भी आएगा मैम हाँ, हामिद हामिद एक एक सुस्त सुस्त, किसान है अल हाँ बिल्कुल सही, हामिद एक सुस्त किसान है, ठीक है। फल्लाहुन नशीतु रजुलुन राबिहुन अल्फल्लाह सुस सॉरी चुस्त रजुलन राबिहुन का मतलब नहीं है कामयाब लिख दिया मैंने, कामयाब चुस्त किसान कामयाब। चुस्त किसान कामयाब आदमी है चुस्त किसान एक कामयाब आदमी है, ठीक, एक भी लगा सकती हैं, चुस्त चुस्त किसान किसान। एक एक कामयाब आदमी है हाँ ये राबिहुन, ये नया लफ्ज है, ठीक है, राबिहुन कामयाब, चलिए शाबाश आगे। अल्फल्लाहु अलकसलानु नहीं ऐसे नहीं बोलते रजुलु इसको, एक मिनट, अल्फलाहुल, अल्फल्लाहुल हाँ अल्फल्लाहुल कसलानु रजुलुन हासिरुन सुस्त किसान नुकसान पाने वाला आदमी है हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, सुस्त किसान खसारा उठाने वाला आदमी है या नुकसान उठाने वाला आदमी है, खासरुन वाला मतलब आदमी नुकसान वाला है ना, नुकसान, तो नुकसान वाला से मतलब है नुकसान पाने वाला है ना, नुकसान उठाने जी वाला, खासिरुन रजुलुन, वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। अब ले लेते हैं इसके बाद रिजवाना को। जजाकल्लाह जी हाजी ही सातुन जदीद जदीदतुन, ये दीवार नई है। घड़ी सातुन कहते हैं घड़ी को, घड़ी सॉरी मैम मैंने सोच के सॉरी सॉरी ये घड़ी नई है जी देखिए अगर ये हाथी, ये आपका मुब्तदा हो गया है ना, ये मुब्तदा हो गया, और सातुन जदीदतुन ये आपकी खबर है, तो आपको करना है हादी ही सातुन जदीदतुन, तो क्या ये, अब उसको नई घड़ी पे जाए, ये घड़ी नहीं करें आप, ये नई घड़ी है हाँ हाँ अगर ये घड़ी होगा ना तो हादी ही सातु होता, क्योंकि आप ये मुरक्कब नई इसके साथ, घड़ी है हाँ एक मिनट, आपने मुरक्कब जो पहले किया तो इसके साथ बना दिया ना, मुरक्कब इसके साथ नहीं है, मुरक्कब इसके साथ है, ये दोनों मुरक्कब है, तो जी ये एक नई घड़ी है। जी ये एक नई घड़ी है तिलका इससे पहले भी सातुन तिलका सातुन कदीमतुन वो ये पुरानी वो सॉरी तिलका वो एक पुरानी घड़ी है वेरी गुड, चले नीचे करें उसके बाद। असातु सातु अलजदीदतु असातुल, असातुल जदीदतु गालियतु गालियतुन, अच्छा मैम हमारे इसमें तू दिख रहा है आपके इसमें हाँ भी तू तो दिख तू रहा है है लेकिन हमको लगा लेना है, ये ना खबर है ना, तो ये तन्वी के जी साथ होगी, लगा लीजिए सब लोग, हमारे उसमें भी सिंगल ही है, गालियतुन मैम गालियतु का क्या होगा सुन महंगी जी है, महंगी है, हाँ
कॉस्टली, जी तो ये घड़ी महंगी है। वेरी गुड। अब देखें, असातु असातु जदीदु, ये घड़ी नहीं महंगी, असातुल जदीदतु, नई घड़ी महंगी नई घड़ी महंगी साथ जी। है ना। आपको ये पहचानना है सबसे पहले रिजवाना कि जी मुरक्कब कौन सा है। ये जो मैं डैश बार बार लगा रही हूं ना, इसीलिए लगा रही हूं कि पहले ये पहचानना है आपको, मुरक्कब आपका ये है। ये दोनों एक मुरक्कब जैसे मिल रहे हैं ना, जी। क्योंकि देखिए ये फेमिनिन तो ये फेमिनिन, ये अल ये अल, ये रफा ये रफा, तो आपका ही। तो अब आपको जब ये मुरक्कबे तौसीफी पहचान में आ गया, तो अब आप इसका तर्जुमा पीछे से करेंगी। नई घड़ी, घड़ी महंगी है। असातुल नई घड़ी महंगी है। चले, असातुल कदीमतु रॉकी रॉकी रखी सतु सतुन, रॉकी सतुन रॉकी की सतुन। पुरानी घड़ी रॉकी सतुन का मैम सस्ती सस्ती है, पुरानी है। घड़ी सस्ती है, ठीक है, सस्ती है चीप है, महंगी नहीं है। नहीं गुड, तो सस्ती इससे है हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। और ये जी। है सवाल, इनके लिए बुला लेते हैं, जमजम है, तबीयत उनकी सही हुई। मैं असल में पार्टिसिपेंट्स खोल के रखती हूँ, मैम अंदाजे से ही बुलाती हूँ। नायला आप करेंगी? फजीलत आ जाए, फजीलत। जी मैम जी हाँ, असइला, असइला का मतलब होता है क्वेश्चंस। मैं लिख दूँ यहाँ, क्वेश्चंस, सवाल से। देखिए, सीन हमजा लाम है और असइला का मतलब क्वेश्चंस। अयु बैती वासिकुन अय्यू बई, यानी क्या फिर से पढ़े? अयु बैती अय्यू बई तिन, अयु बैती वासियु बई तिन है ये, बई तिन डबल जेर है, अय्यू बई डबल है तिन मैम आपा। हाँ अयु बैती वासियु मैम ये बसी गार अयु का क्या मीनिंग अय्यू का मतलब है कौन, तो यहाँ बसी कौन गार कौन सा घर, कौन सा गार बसी है कौन सा घर वसी है। तो अगर इसका आंसर चाहिए क्या, इसका आंसर हो जाएगा हादल बैतु वासियोन। ये जी अय्यूबी जब आता है ना, एक बात ये भी देख लें यहाँ पे कि अय्यूबी जब आता है तो ये अपने, ये देखिए भी मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कब इजाफी बन रहा है, कौन सा घर, ठीक है, कौन घर, क्या घर, तो ये अय्यू अपने आगे आने वाले उसको जो है जर हालत जर में ले जाता है। तो अय्यू बैतिन, कौन सा घर वसी है, तो आंसर हो जाएगा हादल बैतु वासियोन, ये घर वसी है, ठीक है। हादल बैतु, मैं लिखू, लिखने का तो टाइम नहीं है, हाँ बोल रही हूँ, लिख ली बाद में, हादल बैतु वासियोन, ठीक है, मैम ऊपर आगे चल। तो है ऊपर है ना मैम ऊपर है आपने जो भी कराया ना उसमें नहीं, वो नहीं है वहां पे, वो हादा बैतुन है वो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हादल बैतु करना होगा आपको, मैम हादल। ये जो है सेकंड अल बैतुल वासियो यहाँ पे हाजा लगा के तो इसको पूरा कर लेंगे ना हाँ वहां लगा, उसमें लगेगा। ये सब जी थोड़ी मैम सी हल्की हल्की ट्रिकी चीजें हैं, जो कि कोशिश तो कर रही हूं कि मैं समझाऊं, लेकिन अल्लाह करे कि समझा ले जाऊं, कि अगर इसको करेंगे हादल बैतु वासियुन, तब इस सब कौन सा घर, तो पूछे कौन सा घर वसी है, तब आप किसी खास घर को बोलेंगी ना वसी, है ना, तब हादल बैतु कहना पड़ेगा, हादल बैतु ये घर वसी है, वरना हो जाएगा ये वसी घर है। इसका जवाब तो, ये इसका जवाब कौन सा घर वसी है, तो अगर हम इसका जवाब कहें ये घर कौन सा घर वसी है, ये घर वसी है। चले आगे चले, मैम ये तो वासे उन में तो जवाब में भी वासे उन नहीं लिखेंगे
हाँ जवाब में हम कह तो रहे हादल बैतु लिखेंगे, हादल बैतु वासिउन, ठीक है, मुझे ऐसे लगा वैसे ही था। नहीं वासिउन। ठीक अयु तिलमीज़िन मुज्तहिदुन, कौन कौन सा शागिर्द मेहनती है? वेरी गुड, जवाब दीजिए। हाजा तिलमीज़ुन मुज्तहिदुन। नहीं, अब हाजा तिलमीजुन मुज्तहिदुन, जो इसका जवाब, इसका तर्जुमा होगा, ये एक मेहनती शागिर्द है। तो इस सवाल का वो जवाब नहीं हुआ, कौन सा शागिर्द मेहनती है? आप कहेंगे ये शागिर्द मेहनती है। उर्दू में हम अगर आपसे पूछें कि कौन सा शागिर्द, हम एक फील्ड में है, वहां 4-5 बच्चे खड़े हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सा बच्चा मेहनती है, तो आप एक बच्चे की तरफ इशारा करेंगे, कहेंगे ये शागिर्द मेहनती है, ऐसे बोलेंगे ना, या आप ये जी कहेंगे ये एक मेहनती शागिर्द है। नहीं, ये आंसर उतना फिट नहीं है। तो इसका होगा हाजत तिलमीजू, आप हाजा के साथ मुरक्कब बनाए, हाजत जी आदत तिलमीजू तिलमीज़ मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन, आदत तिलमीज़। हादा के साथ, मतलब हादा तिलमीजू, ये आपका पूरा मुरक्कब बनेगा, हादा और अत तिलमीजू मार्फा होगा ना। अब आप मुब्तदा लेके आए, तिलमीज को मुब्तदा बनाए, खबर ना बनाए। चलिए, आज़त वेरी गुड, हाँ यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, तिलमीज़ वेरी गुड। आगे चलिए, मैं हाँ, मुझे लगता है इसे अयु देना चाहिए। अयु अयु साअतिन गालियतुन, कौन सी घड़ी महंगी है। महंगी है? हाज़ा गालिबत हाँ वेरी गुड, गालियतुन हाजा सातु, और फिर बताना पहले गाली। कौन सी घड़ी है, तो नई वाली महंगी थी ना, तो आप क्या कहेंगी, हाजा सातु गालियतुन जदीदतुल जदीदतु वालियतुन, क्या लिखेंगी, हादस, जदीदतुन गालियतुन, नहीं तुल गालियतुन नहीं, ये गालियतुन तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे अल नहीं लगी। मैडम इसमें हाजी ही आएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह वेरी गुड, इसमें हाज ही आएगा। मैं असल में देख रही हूँ, मैं यहाँ लिखने में बिजी हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया कि जब सा है तो इशारा फेमिनिन आएगा। वेरी गुड माशाल्लाह, कौन बोला, वेरी नफीसा गुड माशाल्लाह। हाजी हिस्सा हादिस, अब इसको आपको, हाँ, और बिल्कुल ये ना समझे कि मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आएगा। और फिर आपको इसकी सिफत बतानी है, घड़ी की सिफत, तो बस उसकी तरह लेके आए, बोलने में मुश्किल हो रही है, लिखेंगे इंशाल्लाह एकदम सोच समझ के, जदीदतु, ठीक है, और फिर आप उसके बाद हिस्सा उसकी खबर दें, गालियतुन। ये हो गया आपका, मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, और चूंकि ये भी था, इसमें एक पॉइंट आ गया था कि इसके हिसाब से इशारा आएगा हाजी, तो ये भी लिख दिया। तो इसको आप फॉलो करेंगी कि आपको ये, अब मुब्तदा आपका ये पूरा यहां से मुब्तदा है, और उसकी खबर ये दे रही है, फिर इस तरह हाजी सातुल जदीदतु, ये मुब्तदा हो गया पूरा का पूरा, जी मैम, और और ये ये गालिया तो खबर है। जी हाँ। चले आगे चले, अयु बैतिन नजीफुन, कौन सा घर साफ सुथरा है? हाजल बैतु नजीफुन। जी हाँ, अदल बैतु नसीफुन नदीफुन, ये भी सही है, और अलबैतुल वासियु नदीफुन, वो जो लेसन से भी आप देख के कर सकती हैं यहां से भी, लेकिन बहुत अच्छी अलबैतु बात है कि आप खुद अपना ले रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इस समझ से ले रही हैं, तो ठीक है, हादल बैतु कर दे, हादल बैतु नदीफुन, ये साफ है, ठीक है, चले आगे चले। अयु तिलमीज़िन महबूबुन, कौन सा शागिर्द
संदिग्ध है। अतिल मिजुल मुजताहिदु वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अत्तिल्मीदुल मुजतहिदु। अब आपको ये भी मार्फा करना होगा, और चूंकि इसकी सिफत आप बता रही हैं मुजतहिदु, तो चूंकि अत्तिल्मीदु आपको खबर बनानी है, सॉरी मुब्तदा बनाना है, मुझे हाँ, तो उसको मार्फा करा आपने, तो उसकी सिफत भी आप क्या लेके आएंगी, मार्फा। तो इन्होंने बहुत ही हाँ अत्तिल्मीदुल मुजतहिदु, ये दुन को हटा देंगी, लगाएंगी तिल्मीदुल मुज्तहिदु महबूबुन। वेरी गुड माशाल्लाह, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और याद रखें कि यहाँ पे इस क्लास में या किसी भी क्लास में गलती करना इज नॉट द प्रॉब्लम। हमसे बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, कोई बात नहीं, हम सीख ही रहे हैं। जब बच्चे चलना सीखते हैं तो ऐसा नहीं होते कि बैठे थे और दौड़ने लगे, गिर गिर के ही सीखते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको यही बताया कि कितना लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, है ना, हम उनको बचाते हैं, लेकिन गिर गिर के ही सीखते हैं। तो गिरना, उससे घबराना नहीं है, गलतियां होंगी। चले शाबाश। अय्यू सातिन रखीसतुन, कौन सी घड़ी सस्ती है? अस्सातुल कदीमतु रखीसतुन। अस्साअतुल कदीमतु, जी मैम, ऐसे ही मैंने कहा, अस्सातुल कदीमतु रखीसतुन। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो हमारी क्लास का वक्त खत्म हुआ, और तमरीन इंशाल्लाह ले लेंगे अगली इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास में सबने बहुत अच्छा किया, और मरकबे तौसीफ भी समझ में आई, मुब्तदा और खबर की भी तमीज समझ में आई कि हमें किस तरह से उसको, तमीज का मतलब अरबिक, उर्दू में कुछ और है ना, गुड मैनर है, और अरबिक में तमीज का मतलब होता है फर्क करना, है ना, मुमय्यज करना, फर्क करना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से किसी चीज की क्लेरिफिकेशन के लिए भी आता है। तो ये चीज बस हमको देखनी है कि मुरक्कबे तौसीफी जब मुब्तदा बन के आया है तो हम मुब्तदा की तरह उसका तर्जुमा करें, और जब खबर बन के आएगा तो खबर की तरह तर्जुमा करेंगे। तो मुरक्कबे तौसीफी की हमें बहुत अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए। तो अपनी नोटबुक में जितने मुरक्कबे तौसीफी हैं, इस तरह करके हम लोग अंडरलाइन करके अब तर्जुमा करेंगे हमेशा पीछे से। ऐसा नहीं होगा कि हमने इसका तर्जुमा कर लिया और इसको इसके साथ कर लिया, ऐसे नहीं। मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा एक साथ होगा, सिफत पहले बोलेंगे उर्दू में और मौसूफ को बाद में, बस ये याद रखने की बात है। दो पॉइंट थे कि मुब्तदा हमेशा मार्फा और खबर नकीरा, यहाँ पे मैंने हमेशा नहीं लगाया, मुब्तदा मार्फा और खबर नकीरा, इस तरह से जुमला कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मुरक्कबे तौसीफी मुब्तदा बन के भी आ सकता है और खबर बन के भी आ सकता है, अपनी सारी शराइत के साथ। वो शराइत क्या है कि सिफत मौसूफ को चारों पहलू से फॉलो करनी चाहिए, मतलब अगर रफा की हालत में है मौसूफ तो सिफत भी रफा, अगर जिंस तो जिंस भी सेम होनी चाहिए, अदद भी सेम और वुसअत भी एक जैसी होनी चाहिए। इसी के साथ क्लास खत्म की जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबने ही बहुत अच्छा किया। जिस किसी की अगर चांस नहीं आई है और उनको अफसोस है तो मैं क्लास खत्म करूंगी, तो उसके बाद वो हमारे साथ, मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर और वो मेरे साथ कर ले, बस मुझे पहले क्लास खत्म कर लेने दें। वा आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु।